सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं एडवाइस लीग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे हॉकी टीम के प्लेयर्स हैं वो अभी फाइनल में पहुंचते रहेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस लेवल तक वो पहुंचे, सेमीफाइनल तक पहुंचे। तो आज हम फाइनली आपको उन लोगों से मिलाने वाले हैं, उन देश की बेटियों से मिलाने वाले हैं। हरियाणा की जो बेटियाँ हैं वो भी थोड़ी देर में पहुंचेगी। टाटा जी ने अनाउंस किया है कि उनको अपनी साइड से जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ आती है टाटा अल्ट्रोज, वो गिफ्ट की जाएगी। तो तीनों प्लेयर्स यहाँ पे आने वाली हैं, रानी रामपाल जी, उसके बाद नवजीत कौर जी, नवजोत कौर जी, तीनों आने वाली हैं यहाँ पे और उनको ये गाड़ी आज डिलीवर की जानी है। तो आज हम पूरा इवेंट उसका कवर करने वाले हैं, उनकी गैदरिंग भी दिखाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर में मीडिया भी आ जाएगी, तो सारा कुछ हम इस इवेंट में कवर कर देंगे। अभी एक आउटलुक दिखा देते हैं आपको शोरूम का, जहाँ पे ये गाड़ियाँ डिलीवर होनी है। तो मेट्रो मोटर अंबाला कैंट में ये शोरूम है जहाँ पे ये गाड़ियाँ डिलीवर की जा रही हैं। तो तीनों गाड़ियाँ ऑलरेडी अंदर पहुँच चुकी है, उनकी पॉलिशिंग और क्लीनिंग हो रही है, जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है वो भी हो चुका है। उसके बाद हम आपको एक शोरूम का लुक दिखाएंगे। सो यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी इनकी क्लीनिंग चल रही है, ये डिलीवर होनी है प्लेयर्स को। तो एक दो यहाँ पे खड़ी है, प्लस मेन जो एरिया है वहाँ पे इवेंट सारा ऑर्गेनाइज होगा, उधर अभी इवेंट साइड भी आपको लेके चल रहे हैं। तो ये पूरा लाइनअप है, ये शोरूम है यहाँ पे जो अंबाला कैंट मेट्रो मोटर्स है, प्लस यहाँ पे ये गाड़ी डिलीवर होनी है। यहाँ पे सारा जो फोटो सेशन वगैरह होगा सारा कंप्लीट यहीं पे होगा। प्लस ये बैठने के लिए जगह है प्लेयर्स के लिए जो आएंगे यहाँ पे बैठेंगे, उनके साथ जो रिलेटिव्स भी आएंगे उन सबको बैठने के लिए यहाँ पे जगह ऑर्गेनाइज की गई है। And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. सो हमारे साथ नवनीत जी, आज ऑलरेडी 79 प्लस मैचेस खेल चुकी हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका 2016 में भी और 2017 में भी एशियन गेम्स में। तो मैम, अभी आगे की क्या प्लानिंग चल रही है और आपको कैसा फील हो रहा है कि टाटा ने आपको एज ए रिवॉर्ड टाटा अल्ट्रोज गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ एक तरीके से गोल्ड मेडल के तौर पर दिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि टाटा मोटर्स ने इतना अप्रिशिएट किया, हमें इतनी सपोर्ट किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हमारा ओलंपिक में। और आगे की भी तैयारियां अभी हमारी चल रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वो भी मेजर टूर्नामेंट्स हैं हमारे लिए, तब उनकी तैयारी करेंगे हम। जी मैम, और हमारी जो हरियाणा की बेटियाँ हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ जी, बेटियों के लिए तो है ही है, स्पेशली उनके पेरेंट्स के लिए कि वो उन्हें सपोर्ट करें जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें किया है, ताकि वो भी किसी स्पोर्ट्स को चुन सकें। ज़रूरी नहीं है कि हॉकी, कोई भी स्पोर्ट्स में वो जा सकते हैं, तो उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो उन्हें सपोर्ट करें जी। और मैम, गवर्नमेंट की तरफ से कैसा कुछ सपोर्ट मिलता है हमारे प्लेयर्स को?
हाँ जी, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट हमें काफ़ी सपोर्ट करती है, शुरू से ही सपोर्ट किया है। आई थिंक कि पूरे सारे स्टेट्स में से हमारे हरियाणा ऑलवेज टॉप पे रहता है स्पोर्ट्स के लिए, तो उनका भी थैंक्स करना चाहिए। मैम, हमें भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, पूरे इंडिया को आपने प्राउड किया है, और मैं भी उम्मीद है कि आगे ऐसे ही करते रहेंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना 2 मिनट का कीमती समय दिया, थैंक यू मैम। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं इंडियन हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल जी, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर मैम से बात करेंगे। तो सबसे यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने 15 साल की एज में खेलना शुरू किया था, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम इन्होंने खेलना शुरू किया और लगभग 134+ गोल्स अभी इनके नाम पे हैं और 2012+ मैचेस खेल चुके हैं। 2020 में इनको पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला और फाइनली मैम ने अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था मैम, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? काफ़ी अच्छा लगा, टोक्यो का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था हमारा, एंड मैं सभी लोगों को थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमारे पूरे टोक्यो जर्नी में हमें हेल्प किया, सपोर्ट किया। स्पेशली लोगों ने सुबह उठ के जो अर्ली मॉर्निंग हमारे मैचेस देखे एंड वुमेंस हॉकी को जो प्यार एंड रिस्पेक्ट दिया, तो मैं उसके लिए सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ जी। और मैम, जैसे कि अभी टाटा ने आपको गोल्ड स्टैंडर्ड्स के तौर पर एक तरीके से गोल्ड मेडल मान सकते हैं कि ऑल्ट्रोज उन्होंने दिए एज अ ट्रिब्यूट या एज अ रिगार्ड, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे टाटा को आप? टाटा मोटर्स का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे एफर्ट्स को जो है वो अप्रिशिएट किया, कि हम मेडल के बहुत क्लोज थे और उन्होंने ये बात समझी कि मेडल के क्लोज जाके वापस आने में बहुत दुख लगता है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया वो उन्होंने बाकियों के लिए एक अच्छा एग्जांपल सेट किया कि सिर्फ मेडल विनर्स के लिए मत करो, लेकिन जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो मैं उनको अगेन दिल से धन्यवाद करती हूँ जी। जी, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मैम का थ्रू आउट द ईयर्स रहा है, बाकी थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ नवजोत कौर मैम है जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं हॉकी, इंडियन हॉकी टीम के, तो आज हम उनसे 2 शब्द पूछेंगे और मैम से पूछेंगे मैम का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक, और जो गेम्स मैम ने खेले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए या हमारी जो बेटियाँ जो गेम्स में इंडल्ज होना चाह रही हैं, जो गेम्स खेलना चाह रही हैं, या हॉकी या किसी भी गेम में वो आना चाह रही हैं, क्योंकि लड़कियों को स्कोप कितना मिलना चाहिए या क्या कुछ स्कोप लड़कियों के लिए होना चाहिए? मैं उनके पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस को, गर्ल्स को स्पोर्ट्स में डालें, और स्पेशली स्टडी तो सभी करवाते ही हैं पर आप स्पोर्ट्स में भी डाल सकते हैं उनको, क्योंकि जब मैंने हॉकी शुरू की थी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी कि हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स बोलते थे कि लड़की है क्या करेगी जाकर, बट मुझे लगता है अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है स्पोर्ट्स को लेकर, तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें जी। और मैम, जैसे कि टाटा मोटर्स ने ऑनर किया है आपको, एक तरीके से फोर्थ पोजीशन में आए हैं, आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और एज ए रिवॉर्ड टाटा ऑल्ट्रोज दिया, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैं थैंक्स करना चाहती हूँ टाटा मोटर्स का, जिन्होंने हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट किया इतना, और मुझे लगता है कि आने वाला जो जनरेशन है, हमारा यूथ है, इससे बहुत मोटिवेट होगा, और भी प्लेयर्स हैं जो भी खेल रहे हैं वो एक आशा के साथ खेलेंगे कि हम भी इस लेवल पे जाएं, तो हमारे लिए भी बहुत कुछ, बहुत टाटा मोटर्स और भी कंपनीज हमारे लिए कुछ करेंगी, सो मुझे लगता है एक बिग स्टेप है टाटा मोटर्स की तरफ से, और स्पेशली हम फोर्थ फिनिश किया है और हमेशा मेडल्स को पूछा जाता है, मेडल विनर्स को, सो मैं अगेन थैंक्स करना चाहती हूँ टाटा मोटर्स का जी। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर, ऐसे ही ग्रो करते रहिए, थैंक यू मैम। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
सो फ्रेंड्स, ये था पूरा इवेंट जो हमने आपको दिखाया है। इसमें आपको जो प्लेयर्स हैं उनको गाड़ियां मिल चुकी है, तीनों की गाड़ियां अपनी अपनी मिल चुकी हैं। गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए, नाम भी लिखे हुए किस किस के। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको ये इवेंट कवर करके। और फाइनली आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।